पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सीट शेयरिंग को लेकर के रस्साकसी मची हुई है। जैसा कि हमने आपको लगातार एक एक मिनट की कमेंट्री बताई है कि बिहार और देश की राजनीति में हो क्या रहा है। एक तरफ जहां 2024 के चुनाव की अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों के अंदर में अधिसूचना जारी हो जाएगी, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में घमासान जारी है। जहां एक तरफ महागठबंधन इस बार बिहार को लेकर के अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा हौचपौच की स्थिति नहीं है, क्योंकि काफी संख्या में लोग अब सीटों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बाहर निकलने के बाद उनकी 16-17 सीटें तो अभी भी महागठबंधन में ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। और 2019 के हिसाब से भी अगर देखें तो कई दल महागठबंधन के हिस्सा नहीं है। पिछली बार आपने देखा था कि और 3 दल उसमें शामिल थे, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, ये सभी 2019 में महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन ये सभी इस बार हिस्सा हैं एनडीए के। और इसके साथ साथ मुकेश सहनी का भी इंतजार हो रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की इधर आने से अब सीटों को लेकर के काफ़ी रस्साकसी मची हुई है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि महागठबंधन को लेकर जब बातें कही जा रही थी कि इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी महागठबंधन में बहुत कुछ कमियां रह गई हैं। एक तरफ महागठबंधन के दल नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में रोक नहीं पाए, जिन्होंने सूत्रधार बनकर नरेंद्र मोदी के विरुद्ध गैर भाजपाई दलों को एकजुट किया था, लेकिन उसमें भी कई कमियां रह गई थी। बिहार की 40 सीटों को लेकर के जिस तरह की योजना और रणनीति बनाई जा रही है, उसमें अब तक ये कहा जा रहा था कि लड़ाई जो है महागठबंधन वर्सेस एनडीए है, लेकिन इस बार की लड़ाई कुछ अलग होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ अभी एनडीए में सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का मानना है और बार बार ये कहना है, नीतीश कुमार ने भी कहा है कि इस सप्ताह हर हाल में सीट शेयरिंग का समझौता तय कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि यह पूरी की पूरी कहानी एक तरफ जहां लिखी जा रही थी, वही महागठबंधन के पूरी तरह से समायोजित नहीं होने के कारण और संगठनिक तौर पे महागठबंधन का नेता ही फरार हो जाने के कारण नीतीश कुमार के बाहर निकलने के बाद अभी समस्याएं बहुत सारी हैं। कई दलों को अब तक एक साथ नहीं जोड़ा जा सका है, जो काफी खतरनाक हो सकते हैं महागठबंधन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये दल अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो निश्चित रूप से फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, क्योंकि इनके वोट बैंक का आधार जो है वो महागठबंधन वाला ही है। एक तरफ जहां ओवैसी की बात कर ले, उन्होंने भी 10 से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती की बीएसपी बहुजन समाज पार्टी भी इस बार बिहार में काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है, और जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि उनका कई क्षेत्रों में जबरदस्त प्रभाव है, उनके वोट जो हैं वो निर्णायक भूमिका में आते हैं और जीत हार में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर इनके साथ गठबंधन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन को झटका लग सकता है, यानी चुनाव की घोषणा और वोटिंग से पहले ही ये बातें तय मान के चलिए कि महागठबंधन के समायोजित नहीं होने के कारण एनडीए को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, समय के हिसाब से बहुत कुछ बदलता भी है और राजनीति में कुछ भी अस्थायी और स्थिर नहीं रहता है। आपको एक बात बता दें कि सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार मंथन के दौर से गुजर रहा है, अपने साथी दलों से बातचीत कर रहा है और हर हाल में सीट शेयरिंग का समझौता भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 40 सीटों का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को महागठबंधन से जो टक्कर मिलना चाहिए और महागठबंधन की एकता और एकजुटता को लेकर के जितना आज से 2 महीना पहले डरा हुआ था, अब उससे निजात मिल गई है। नीतीश कुमार के बाहर निकलने के बाद कई दलों ने महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी भी अभी तक इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रह पाई हैं, तो ऐसी स्थिति में मायावती और ओवैसी बिहार में बड़ा खेल कर सकते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि बिहार में अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते थोड़ा आसान हो जाएंगे और चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को एक मानसिक बढ़त जरूर मिल जाएगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।